सभी से निवेदन करूंगा कि इस मौके पर हम सभी को अपने अभिभाषक के द्वारा निर्देश करें। आदरणीय प्रबंधक जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, हमारे सभी शिक्षक समूह और प्यारे बच्चों, अब आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। बात करें कि चलो आजादी लिया जाए, पक्षियों की आजादी की बात करते हैं, चलो पक्षियों को आज की आजादी दिलाई जाए, तो क्या आप कोई एक पक्षी चुनेंगे या सबको चुनेंगे? अगर वृक्षों की आजादी की बात करता हूं, क्या कोई एक वृक्ष चुनेंगे या सब? तो हम बाल दिवस मनाते हैं, जानते कि अब हम बात करते हैं 1947 से, जब पुरुषों के और महिलाओं के तन पे पहनने के लिए सिर्फ एक वस्त्र हुआ करता था, खाने को इतनी कमी थी कि आज खा रहे हैं कल क्या खाएंगे, कोई स्थिति नहीं थी। ऐसे समय में जब हमको आजादी मिली और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जो सपना देखा, वो मंदिर गुरुद्वारे और चर्चों का नहीं देखा। कल कारखाने बैठाए, IIT बनाए, IIM बनाए, उन्होंने वो कर्पूर गौरव, अब कर्पूर गौरव सुनाओ, कर्पूर गौरव सुनाओ, सुनाओ कर्पूर गौरव, करुणा अवतारम, करुणा अवतारम, करुणा अवतारम सुनाओ। नन्हे मुन्ने हम सब बच्चे तुमसे मांग रहे हैं वरदान, विद्या दो, बुद्धि दो, बल दो, बने भगवान, आज्ञाकारी बने बनों के आज्ञा ऊपर सदा चले, आदर उनका सदा कल्याण मुझे अच्छे काम। नन्हा मुन्ना राही सुनाओ, बोलो बोलो, नन्हा मुन्ना राही हूँ, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, नन्हा मुन्ना राही हूँ। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम सुनाओ, कर्पूर गौरम, कर्पूर, हाँ ओके गुड। हेलो, ये बच्चे मुख्य अतिथि स्वयं आदरणीय प्रबंधक जी का, साथ में आदरणीय प्रधानाचार्य जी का भी निवेदन करूंगा आपको, प्रधानाचार्य जी से बैठ जाइए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। फेसबुक के हमारे एक मित्र हैं राजीव नयन बहुगुणा, उनके पिता का नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, आप लोग उनके बारे में जानते हैं?
उत्तराखंड की पहाड़ियों पे जब मैंने बात किया था ना कि आजादी का, जब वृक्षों जब जंगलों की कटाई जोर से शुरू हो गई तो सुंदरलाल रघोड़ा ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था चिपको आंदोलन। इस पेड़ को जो काटने जाता था लोग उसे उत्तर जाते थे कि पहले हमको मारो फिर पेड़ काटो। उन्होंने अपने पिता के संस्मरण में आजादी की लड़ाई में ये बताई कि कैसे आजादी की लड़ाई में उनको जेल हुआ, जेल में वो उम्मीद खो दिए थे कि हम जिंदा वापस लौटेंगे। हर महीने उनको बुलाया जाता, उनसे पूछा जाता कि आप बताओ तुम्हारा दिमाग बदला कि नहीं बदला, और वो कहते कि नहीं, न बदला है न बदलेगा। खैर अंततः मुल्क आजाद हुआ, वो छूटे और मैं आज अपनी बेटी को लेकर आया हूँ। ये मेरी छोटी बेटी है, कभी उंगली पकड़ा के मैं, कभी ये मेरा उंगली पकड़ के चलती थी, लेकिन आज मुझको भी कहीं कहीं इसका उंगली पकड़ना पड़ता है। जब पूछता हूँ कि नहीं देश के संविधान के बारे में बताओ तो ये बताती है। अभी मुझसे कह रही थी कि बच्चों को ये बताइए कि देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, संविधान ने दो नाम जो स्वीकृत किए हैं देश के लिए, इंडिया भारत। आप शौक से हिंदुस्तान बोल सकते हैं लेकिन किसी भी सर्टिफिकेट पे हिंदुस्तान नहीं है। बच्चियों का इसके साथ में एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है कि आप लोग मिल करके आपस में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं कि आपके बीच से कोई बच्ची जा करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी धमक जमाए, अपनी बातों को रखे, वो सपना हर बच्चियों को देखना चाहिए, हर बच्चों को देखना चाहिए। कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है। और हम मन में हमारे एक प्रस्ताव और आ रहा, मेरी जानकारी में आया है कि कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चियां भी हैं जिनको अपनी फीस वगैरह की दिक्कतें हो रही हैं। हम चाहते हैं वो प्रस्ताव मेरे तक आए, मैं उसमें विचार करूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना मदद कर सकते हैं। बस यही थोड़ी बातें थी जो आपको और बतानी थी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अध्यक्ष भाषण के लिए जरा हाल के बच्चे शांत रहे। आज इस 77वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में विद्यालय उपस्थित हमारे विद्यालय के प्रबंधक जी, उनकी पुत्री सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट श्री पल्लवी मिश्रा जी, उपप्रधानाचार्य जी, विद्यालय के विद्वान शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, अनुचर वर्ग, अन्य जो अतिथि आए हैं वह प्रिय छात्र छात्राओं, आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आप सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं। वो ऐसे नहीं मिली, इसके लिए बहुत से हमारे सैनिकों ने, बहुत से अगुआ जो नेता कहे जाते दोनों ने जान दी है, आहुतियां दी हैं, बहुत सी माताएं विधवाएं हुई हैं, तब जाके मिली हैं। यह सब अवसर ऐसे हैं कि उन सब शहीदों को याद किया जाए और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाए। आज इस अवसर पर उन शहीदों को
जो इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का अवसर प्रदान किए, उन सबको हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि जहां भी वो रहे, जहां भी उनकी आत्मा हो, वो सब हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहे। हम सब के बीच में प्रबंधक जी तो हमारे आते ही रहते हैं, श्री पल्लवी मिश्रा जी ने समय दिया, इसके लिए हम आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि आप बीच में आकर के हम लोग का मार्गदर्शन करते रहेंगे, हम लोग का उत्साह बढ़ता रहेगा। पुनः ज्यादा कुछ न कहते हुए आज इस अवसर पर महात्मा गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, सरदार पटेल जी को, उनके साथ साथ अन्य भी जितने अग्रणी हमारे नेता हैं, जिन्होंने इस स्वतंत्रता दिवस को दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उन सबको मेरी श्रद्धा सुमन। ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा तो वीडियो चल रहा है। चलो चलो ट्रेन ले जाओ, ट्रेन बिल्कुल शांति से आगे बढ़ते रहिए, पीछे से नंबर रुकते नहीं।